ब्लड बैंक को फिर एनीमिया। एसकेएमसीएच के ब्लड बैंक में ब्लड के लिए त्राहिमाम मचा है। कई मरीजों की जिंदगी संकट में है क्योंकि कई ग्रुप के ब्लड है ही नहीं। संकट का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि नेगेटिव ग्रुप का एक भी यूनिट ब्लड नहीं है। 1000 यूनिट की क्षमता वाले इस ब्लड बैंक में इन दिनों मात्र 25 से 30 यूनिट ब्लड ही उपलब्ध है। यहाँ कार्यरत कर्मी अपने सहयोगियों के साथ आम लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ब्लड देने से किसी तरह की कमजोरी नहीं आती, इसलिए बेखौफ होकर ब्लड डोनेट करें। एसकेएमसीएच जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जा रहा है, एक मात्र यहाँ लाइसेंस प्राप्त यह ब्लड बैंक है जहाँ लोगों को जीवन दान मिलती है, ब्लड यहाँ से दिया जाता है। इन दिनों त्राहिमाम ब्लड के लिए मचा हुआ है। इस ब्लड बैंक में 1000 ब्लड रखने की क्षमता है, जहाँ इन दिनों 25 से 30 यूनिट ही ब्लड है, इसमें भी कई यूनिट की ब्लड नहीं है। तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, ब्लड बैंक के आप स्टाफ हैं, क्या आपका परिचय हुआ, अभी वर्तमान में कौन कौन सा ग्रुप है ब्लड, जरा बताएं। विनोद कुमार, टेक्निकल सुपरवाइजर ब्लड बैंक एसकेएमसीएच। अभी हर ग्रुप के ब्लड का कमी है, मात्र हम लोगों के पास 33 यूनिट टोटल ब्लड है। टोटल 33 यूनिट है। नेगेटिव में कोई भी ब्लड हम लोगों के पास नहीं है। नेगेटिव ग्रुप का कोई भी ब्लड नहीं है हम लोग। अच्छा, और उपलब्ध कौन कौन सा पॉजिटिव है? पॉजिटिव चारों में है, लेकिन दो यूनिट तीन यूनिट हर ग्रुप का है। इस तरह से इसके चलते काफी परेशानी हो रही है, रोज थैलेसीमिया के 5-7 मरीज लौट रहे हैं। अच्छा, तो ये ब्लड कहाँ से और कैसे उपलब्ध होता है ब्लड बैंक में, इसकी जानकारी जरा। स्वयं सेवी संस्था द्वारा डोनेट किया जाता है। तत्काल में यहाँ के स्टूडेंट लोग दिए थे, जिससे कि कुछ राहत मिली। मेडिकल स्टूडेंट? हाँ। अच्छा, अभी कोई स्वयं सेवी संस्था नहीं तैयार हो रहे हैं ब्लड के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं तैयार हुए हैं। अच्छी, ब्लड देने के से लोग भागते क्यों हैं, क्या भ्रांतियां हैं, जरा इस संबंध में बताएं। लोगों को लगता है कि ब्लड देने से किसी तरह का नुकसान हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्लड देने से फायदा है, हर स्वस्थ आदमी हर 3 महीना पर रक्तदान कर सकता है, जिससे कि उसको बहुत तरह का फायदा है, लेकिन घाटा किसी भी तरह का नहीं है। लेकिन हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं उसके चलते कभी कभी बेटा भी बाप को देने से हिचकने लगते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा सिस्टर, आप भी ब्लड बैंक में हैं कार्यरत? है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीव कुमारी। अच्छा, आप बताइए क्या क्या है, मतलब कारण इसे ब्लड में कमी का, कैसे आप झेल रहे हैं इस परेशानी को, लोगों की सेवा कैसे कर रहे हैं? लेना नहीं चाह रहा है ब्लड, अभी फिलहाल हुआ था तो डॉक्टर लोग दिए थे। अच्छा, इससे काम चल रहा है, अभी तो कोई देना नहीं चाह रहा है, आता है ब्लड के लिए सैंपल। क्या चाह रहे हैं आप, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ब्लड देना चाहिए लोगों को, आकर यहाँ ब्लड देना चाहिए। हाँ, 3-3 महीना में ब्लड देना चाहिए। अच्छा अच्छा, स्वयंसेवी संस्था आगे आकर हम लोग का मदद करे, ताकि हम लोग जो दुर्घटना होती है, थैलेसीमिया का मरीज लौट रहे हैं, उन लोगों को मदद कर सके। जीएनएम से अपील करना चाह रहे हैं, जितने भी जीएनएम हैं सब अपना अपना ब्लड दे, जिसको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, और जितने भी स्टाफ है, फोर्थ ग्रेड हो, प्यून हो, जो भी हो, या मीडिया प्रभारी से भी है आग्रह है, उन लोग भी आके ब्लड डोनेट करें, जिससे यहाँ दिक्कत नहीं हो ब्लड देने में। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड देना चाहिए, हम भी दिए हैं, और सबको आगे इसमें आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं कोई होता, नुकसान नहीं। शरीर में नई ऊर्जा मिलती है, बहुत तरह की बीमारी से बचाव भी होता है, इससे शरीर में नया ब्लड बनता है, तो ज्यादा बीमारी नहीं होने का खतरा रहता है, बहुत तरह का बीमारी है जो नहीं होता है। धन्यवाद। ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और वीडियो स्टोरीज के लिए बने रहें मोमेंटस क्लब के साथ।